क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे कि रोटेशन से रिलेटेड है, जिसमें कि प्योर रोटेशनल मोशन होता है किसी पुली का, वो वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया है, एज शोन इन फिगर, ए बॉब ऑफ मास m इज टाइड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग हुज अदर एंड पोर्शन इज वाउंड ऑन अ फ्लाई व्हील। व्हील का मतलब डिस्क यहाँ पर दिया हुआ है, ऑफ रेडियस r एंड मास m। ध्यान रखना है कि डिस्क का मास और उस बॉब का मास दोनों का इक्वल मास दिया गया है। When released from rest, the bob starts falling vertically. When it has covered a distance h, the angular speed of the wheel will be. अब यहाँ पर क्या है, ये कहा गया कि जब इसको रिलीज किया गया तो ये h डिस्टेंस जब ट्रेवल करेगा, तो h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, है ना। अगर ये घूम रहा होगा तो ये भी नीचे जा रहा होगा किसी वेलोसिटी से, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन लगता है ना। अगर ये बॉब v से जा रहा है तो स्ट्रिंग का हर पॉइंट नीचे v वेलोसिटी से जा रहा होगा, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ जो है हमेशा कॉन्स्टेंट रखना है, ठीक। अगर ये v से जा रहा होगा और रोटेशन में हमेशा ये मानकर चलना होता है कि स्ट्रिंग और पुली के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, है ना, कोई स्लिपिंग नहीं है, तो इन दोनों की वेलोसिटी जो है वो इक्वल आएगी, ठीक है। मतलब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अगर इसका वेलोसिटी वी है तो इसका भी वी होगा। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, इसका रेडियस आर है, तो वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से एक वी और ओमेगा में रिलेशन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। फ्री फॉल एक तरह से हो रहा है इसका, मतलब इसको हमने जैसे रिलीज किया तो ये फ्री ग्रेविटेशनल फील्ड में नीचे आ रहा है ना। फ्री फॉल तो नहीं है लेकिन फ्री ग्रेविटेशनल फील्ड में ये चल रहा है। तो जब ये एज डिस्टेंस नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी बाई अमाउंट एम जी एच, इतनी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और बाकी जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इस बॉब का भी बढ़ा है, कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। पहले ये रेस्ट पर था, इसकी वेलोसिटी थी जीरो, अब हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये जो पुली है, पुली के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, ये होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हाफ एम, जो वी है वी को लिखा जा सकता है ओमेगा ओमेगा इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस हाफ आई जो होता है, ये जैसे डिस्क कहा गया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखेंगे ये आएगा थ्री बाई फोर एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमें ओमेगा का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, एम और एम तो कैंसिल हो गया, तो ओमेगा का वैल्यू आएगा वन बाई आर अंडर रूट फोर जी एच, फोर जी एच डिवाइडेड बाई थ्री, है ना। तो ये जो ऑप्शन है देखेंगे, यहाँ पर आया है वन बाई आर फोर जी एच बाई थ्री, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना।